अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एचआर किचन एंड गार्डनिंग। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है ढाबा स्टाइल दाल फ्राई। आपने जो ढाबे में बनती है दाल फ्राई, थूर दाल फ्राई, आपने जरूर खाई होगी। ये बहुत ही टेस्टी होती है। अब आप इसको घर में भी बना सकते हैं ढाबा स्टाइल दाल फ्राई। आइए चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं दाल फ्राई। यहाँ मैंने ली है 1 कप तूर दाल। यहाँ देखिए, मैंने दाल ले ली है। इसको मैंने आधा घंटा भिगो दिया था धो के। अब मैंने इसको कुकर में डाल दिया है और मैंने इसमें नमक डाल दिया है और मैं इसको गैस पे चढ़ा दूंगी। टू विसिल इसमें लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने टू विसिल लगा ली है। यहाँ पे जो है मैंने इसमें सिर्फ नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया है। इसको मैं साइड में करूंगी और बाकी मैं मसाले ले लेती हूँ। आइए चलते हैं। यहाँ मैंने लहसुन की 4 से 6 कलियां लेनी है। अदरक का छोटा टुकड़ा, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, इनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और यहाँ मैंने प्याज ली है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने हरा धनिया लिया है। यहाँ मैंने पिसे मसाले ले लिए हैं। मैंने 2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच मैंने मिर्च ली है, 4 मैंने साबुत मिर्च ली है और नमक हसब जरूरत। यहाँ मैंने जीरा ले लिया है 1 चम्मच और हींग। चलते हैं। यहाँ मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है। पैन में मैं ऑयल डालूंगी। आप मैं इसमें लगभग आधा कप ऑयल डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। देखिए हमारा ऑयल गरम हो गया है, इसमें धुआं निकलने लगा है। यहाँ पे मैं इसमें सबसे पहले हींग ऐड करूंगी। इसमें हींग का तड़का बहुत खुशबूदार होता है। मैं इसमें लहसुन ऐड करूंगी। ये देखिए, मैंने लहसुन इसमें डाल दिया है। मैंने इसमें अदरक डाल दी है, इसको मैं मिक्स करूंगी, भूनूंगी अच्छे से। ये देखिए हमारा लहसुन अदरक जो है भून चुका है। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी। मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया है। जीरा चटकने तक मैं इसको चलाऊंगी, चलाते चलाते मैं इसको भूनूंगी जब तक हमारा जीरा चटक नहीं जाता और लहसुन भी हमारा थोड़ा सा और यहाँ मैंने इसमें लाल मिर्च, जो हमारी साबुत लाल मिर्च थी वो मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी और प्याज को गोल्डन ब्राउन करूंगी अच्छे से। देखिए हमारा प्याज ब्राउन होने लगा है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें हमारे जो मसाले थे वो मैं ऐड करूंगी। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है, लो फ्लेम पे मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। देखिए मैंने वन बाई वन करके सारे मसाले अपने ऐड कर दिए हैं। सारे मसाले लो फ्लेम पे मैं भून रही हूँ इसको ताकि हमारे मसाले जले नहीं। मसाले भून गए हैं, मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी और टमाटर को भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और फिर मैं इसमें थोड़ा सा अच्छे से गलने तक पकाऊंगी। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। मैंने पानी डाल दिया है। मैंने इसकी लिड लगा दूंगी ताकि ये 5 मिनट तक इसकी लिड लगा के मैं रखूंगी ताकि ये अच्छे से टमाटर हमारा गल जाए। उसके बाद मैं इसमें दाल ऐड करूंगी। ये देखिए मैंने लिड लगा दी इसकी। ये देखिए हमारा टमाटर गल चुका है। मैं इसमें दाल ऐड कर दी है। इसमें मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि हमारी दाल बहुत गाढ़ी हो चुकी है। इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी, गरम मैंने पानी लिया था, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें बॉईल आने तक पकाऊंगी। बॉईल आने लगा है। ये देखिए बॉईल आ गया है। इसमें मैं हरा धनिया ऐड करूंगी। ये देखिए मैंने हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दिया है। इसको मैं मिक्स कर दूंगी अच्छे से इसमें दाल में।
देखिए हमारी दाल फ्राई रेडी हो चुकी है। अब इसमें जरूरत है, इसको मैं 2 मिनट इसके लिड लगा के रख दूंगी और अच्छे से बॉईल आने दूंगी और फिर हम इसका तड़का तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने स्किलेट, अब मैंने इसको इसमें असली घी डाला है, पैन मैंने रख दिया था, इसमें मैंने असली घी डाला है। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी 2 चम्मच, मैंने जीरा डाल दिया है। अब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, ये देखिए इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है, जीरा चटक जाएगा तब मैं, ये देखिए। अब मैं इसमें अपनी दाल में जो है तड़का डालूंगी, ये देख सकते हैं आप हमारी दाल रेडी हो चुकी है बिल्कुल। इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया और ऐड करूंगी। ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है, अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। ये देखिए मैं असली घी का मैंने तड़का लगाया है, अगर आपको असली घी पसंद नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा ढाबा स्टाइल दाल फ्राई रेडी है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है ये। आइए हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप इसको चपाती के साथ या किसी भी चीज के साथ, जिससे आपको पसंद हो, चपाती के साथ तो अच्छी लगती है। ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। मैं इसको चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। देखिए अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।